सच्ची डोरियों डोरियों डोरियों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह का प्यारा सा लव स्टेटस अपने किसी संबंध स्पेशल के लिए अपने मोबाइल से क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक करके इसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो को मैंने काइनमास्टर ऐप में एडिट किया हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास काइनमास्टर ऐप नहीं है, इसको डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों, काइनमास्टर को डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर सिंपली क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर बहुत सारे रेशियोज आपके सामने आ जाएंगे, आपको 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद दोस्तों, आपको यहां पर सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर टैप करेंगे, आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक कपल्स की पिक यहां पर ले लेनी है। लेने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली पिक पर क्लिक करना है। पिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसकी लेंथ को आपको अप्रॉक्स 30 सेकंड के आसपास कर देना है। करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली यहां देख सकते हैं सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है, इक्वल वाले साइन पर क्लिक करना है और इस जो ये पिक आ रही है इसको इस तरह से जूम करके पूरी स्क्रीन पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद दोस्तों, सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस वीडियो में जितना भी एक्सटर्नल मटेरियल यूज करूंगा उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। यहां पर दोस्तों, आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पर ये वाली टेम्पलेट आपको लेकर आ जानी है। दोस्तों, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ये टेम्पलेट किस तरह से बनाई जाती है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। अब दोस्तों, देख सकते हैं टेम्पलेट कुछ इस तरह से आएगी। अब आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों, एक स्टेप बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, सिंपली क्रोमा की वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों, ये ऊपर वाला 28 आ रहा है, इसको आपको कुछ इस तरह से कर देना है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों, जो 50 आ रहा है, इसको आपको 52 या 53, 54 तक कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो ये टेम्पलेट लाए थे ग्रीन स्क्रीन वाली, इसको आपको बिल्कुल इसके लास्ट पॉइंट पर आना है। लास्ट पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक और टेम्पलेट लेकर आनी होगी। इसके लिए दोस्तों, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों, ये वाली टेम्पलेट आप यहां पर लेकर आ जाएंगे। दोस्तों, देख सकते हैं ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से आ रही है। अब दोस्तों, आपको वही काम करना है, सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहां पर एक बिना किसी बैकग्राउंड के पिक लेकर आनी है। दोस्तों, अगर आपको अपनी पिक का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है जहां पर क्लिक करके आप आसानी से सीख सकते हैं किस तरह से पिक का बैकग्राउंड को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहां पर बिना किसी बैकग्राउंड की पिक को आपको लेकर आना है। इसके लिए दोस्तों, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है। यहां पर दोस्तों, आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों, इस तरह से पिक को ले आएंगे। अब दोस्तों, एक चीज देख रहे होंगे, इस पिक की डायरेक्शंस अलग साइड जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे लास्ट में ये वाला ऑप्शन है, आपको यहां पर टैप करना है और इसके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली टैप कर देना। दोस्तों, देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब दोस्तों, इस पिक को आप कुछ यहां पर थोड़ा सा जूम करके अच्छे से सेट कर लेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद दोस्तों, आपको इसकी पूरी लेंथ पूरे लास्ट तक कर देनी है। करने के बाद दोस्तों, एक स्टेप आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों, आपको इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है। यहां पर आपको अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहां पर जाना है और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा यानी कि 60 के आसपास आपको 65 के आसपास कर देना है। करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जो ये पिक लाए थे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको आ जाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको कपल्स की पिक लगानी होगी। कपल्स की पिक लगाने के लिए दोस्तों, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों, यहां पर आपकी अपनी गैलरी से आप इस तरह से कपल्स की पिक सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं कुछ पिक इस तरह से आएगी। अब आपको इसको थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों, यहां पर इस जगह पे आपको इसको सेट कर देना। सेट करने के बाद दोस्तों, इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको इसको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना। टैप करने के बाद दोस्तों, इसको आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों, आपको एक स्टेप बैक आना है। एक स्टेप बैक आने के बाद दोस्तों, आपको इन एनिमेशन में जाना है। इन एनिमेशन में आने के बाद दोस्तों, आपको इसको फेड कर देना है। फेड करने के बाद दोस्तों, इसके लास्ट पॉइंट पर आ जाना है। लास्ट पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों, आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक कपल्स की पिक और लाने की
जरूरत है। इसके लिए दोस्तों आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों यहाँ पर आप कोई दूसरी पिक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सेम काम वही करना है आपको, इस तरह से पिक को जूम करना है। जूम करने के बाद दोस्तों इन ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली यहाँ पर स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको इन एनिमेशन में आना है। इन एनिमेशन में आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली फेड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसके भी लास्ट पॉइंट पर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक लास्ट पिक यहां पर और लगाने की जरूरत है। इसके लिए दोस्तों आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों यहां पर इस तरह से आप कपल्स की लास्ट पिक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों बिल्कुल वही काम करना है, यहां पर सेट करना है, इन सारे ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करना और इसको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों इस पिक को थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से सेट कर दीजिएगा। सेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक करना है और वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक टेम्पलेट और लेकर आनी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली दोस्तों ये वाली टेम्पलेट यहां पर आप लेकर आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको सीजर के बगल वाली बटन पर जाना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों एक स्टेप बैक आ जाना है, इन सारे ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, सिंपली ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इसको आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर आपको म्यूजिक और लगाने की जरूरत है। दोस्तों अगर आप लोग मेरा वाला म्यूजिक लगाना चाह रहे हो दोस्तों इसको आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इस म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं या कोई आप अपना भी म्यूजिक लगा सकते हैं। दोस्तों म्यूजिक लगाने के लिए आपको सिंपली ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां आपकी पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में जितने भी म्यूजिक अवेलेबल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब दोस्तों जिस भी सॉन्ग को आप लगाना चाह रहे हो सिंपली उस सॉन्ग पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोस्तों इस म्यूजिक के लास्ट पॉइंट पर आपको आ जाना है। लास्ट पॉइंट पर आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली जो आपने सबसे पहले ये वाली पिक ली थी आपको इस पिक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सीजर वाली बटन पर जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली डन वाली बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली शेयर वाली बटन पर जाना है और एक्सपोर्ट वाली बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों विद इन वन मिनट ये आपका स्टेटस एक्सपोर्ट होकर आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से एक प्यारा सा स्टेटस बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।